राजधानी रायपुर में अवैध शराब के खिलाफ तेलीमाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अमरेडी का रहने वाला तस्कर विनय मुंजर काफी दिनों से शराब की तस्करी कर रहा था। विनय मुंजर जोरहाट स्थित एक मकान में शराब को डंप कर रखा हुआ था, जहां 27 पेटी महंगी अंग्रेज शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 2,59,000 रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक घर में अकेला ही रहता था। पड़ोस में रहने वाली युवक की चाची जब उसके घर पहुंची, तो उन्होंने ही घर की सीढ़ी के पास संदिग्ध हालत में युवक की लाश देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाना पुलिस ने ओडिशा से गांजा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर की बाइक से गांजा लेकर आ रहे युवक को डोंगरीपाली गैस गोदाम के आगे घेराबंदी कर पकड़कर उसके पास से 30,000 रुपए कीमत का 3 किलो गांजा बरामद कर बाइक को जब्त कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे ट्रकों की जांच कर 25 हाइबा व ट्रैक्टर को जब्त किया है। रायपुर के तेलीबंदा थाना पुलिस ने मोमोज ठेले पर गाली गलौज कर युवक पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोमोज खाने के बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी युवक में एक मोमोज बेचने वाले से उधार की रकम को लेकर विवाद हुआ था। कोरबा जिले के राजगमार थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है। भूला सिटी के पर्री झोरखी स्थित फार्म हाउस में एक वृद्ध की टंगिया से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक लंबे समय से फार्म हाउस में अकेले रहता था। बेटे रोज की तरह शनिवार को भी पिता से मिलने फार्म हाउस गया, तो उन्होंने पिता की खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। जामुल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित प्रिसीजन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी के स्टॉक यार्ड में रखे लोहे के 50 तक प्लेट चोरी करने के आरोप में 3 अपचारी बालक एवं चोरी का माल खरीदने वाले मोहचांद कबाड़ी विक्की, वाहन चालक घनश्याम यादव, प्रिंस भट्टी और शरद मेश्राम को जामुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन एवं हाथ ठेला और 60,000 रुपए कीमत का 150 किलो वजन का 50 नग लोहे की प्लेट जब्त की है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम तेज रफ्तार से सिटी बस के चालक ने बाइक सवार युवक को रौंदाला। यह घटना मुंगेली नाका सेफर्ड स्कूल के पास हुई है। घटना के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बस तखतपुर से रेलवे स्टेशन जा रही थी, इसी बीच ये सड़क हादसा हो गया। मुंगेली जिले की पथरिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पथरिया निवासी चंचल मानिकपुरी नामक व्यक्ति को डीवापारा चोरभट्टी से अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करते पकड़कर उसके कब्जे से 28,000 रुपए कीमत का 2 किलो 800 किलोग्राम गांजा, एक नग मोबाइल जब्त किया है। रायगढ़ की चकत्तर नगर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकॉन के फरार दो डायरेक्टर नारायण प्रसाद झलेरिया तथा मनहरण लाल कैवर्त को जांजगीर चांपा जेल से जुडिशियल रिमांड पर लेकर रायगढ़ पहुंची है। आरोपियों ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी रायगढ़ के ढिमरापुर के पास अपना कार्यालय खोलकर ग्रामीण क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को प्रतिदिन एवं मासिक तौर पर रकम जमा करवाई गई थी। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ के वन ग्राम कोटना पानी के गढ़माता पहाड़ी में एक अज्ञात शख्स की लाश अजली मिली है, जिसकी पहचान चंद्रभूषण सिंह निवासी राजनांदगांव के रूप में हुई। मृतक बाल कल्याण समिति का सदस्य था। मृतक चंद्रभूषण का एक महिला के घर आना जाना था। वह महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था, जिससे तंग आकर महिला ने अपने साथी नितिन साहू के साथ मिलकर चंद्रभूषण की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रायगढ़ जिले की छाल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खरसिया से धर्मजगड़ तक बनाई जा रही रेलवे लाइन के लिए ग्राम पुसलदा स्कूल के पास बने यार्ड से लोहे के दो खंभे चोरी करने वाले आरोपी ग्राम पुसलदा के मिलन दास महंत को पकड़कर 40,000 रुपए कीमत का माल व चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। रायगढ़ की जुटमिल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास से नरेश उर्फ नानू यादव को पकड़कर उसके पास से एक 7.65 mm सिल्वर रंग का देसी पिस्टल एवं खाली मैगजीन, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल जब्त किया है। गरियाबंद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ किसी बात को लेकर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की हसिया से गला रेतकर हत्या कर दी। यह पूरा मामला गरियाबंद थाना इलाके के कुसुमबुड़ा गांव का है। पत्नी की हत्या करने के बाद खौफ और सदमे के चलते आरोपी पति को भी हार्ट अटैक आ गया, जिसका अस्पताल लेकर जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में शराब के लिए रुपए नहीं देने से आक्रोशित बेटे ने अपने पिता की गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पैरावट में छिप गया था, जिसे पालतू कुत्ते की मदद से ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ओडिशा में एक शादी समारोह में शामिल होकर बाइक सवार दो युवक अपने घर बस्तर लौट रहे थे। इसी बीच नगरनार NMDC प्लांट के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।